फ्रेंड्स, आंवले का स्पाइसी छुंदा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। आंवले में विटामिन सी और आयरन होता है, जो गुड़ के साथ मिलकर और ही ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। हमने आधा किलो आंवले लिए हैं, धुलकर पोंछ लिया है। आप इसे बनाकर एक महीने तक बाहर फ्रिज में 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। पूरी पराठे के साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हमने एक कुकर ली है, आधा कप पानी डाला है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे आंवले पर कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम आंवले डाल देंगे। आंवले को धुलकर डालिएगा, क्योंकि हम इसका पानी आगे इस्तेमाल करेंगे। कम पानी में आंवले अच्छे से उबल जाते हैं, हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम इसमें 3 सीटी लगा लेंगे। अब इसके सभी फांके अलग कर लेंगे, बीज अलग रख देंगे। फ्रेंड्स, आपको रेसिपी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, हमने सभी फांके अलग कर लिए हैं और आंवले के पानी को अलग रख देंगे। अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो 2 पिंच हींग, आधा छोटा चम्मच कलौंजी जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं, 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। इसका फ्लेवर चटनी में बहुत ही अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर डालिएगा। कुछ सेकंड भुनने के बाद अब हम इसमें आंवले डाल देंगे। इस तरीके से आप चटनी बनाते हैं तो बड़े और छोटे बच्चे सभी को यह बहुत ही पसंद आएगा। उन्हें कभी चश्मा नहीं लगेगा, उनके बाल हमेशा काले रहेंगे। अब हम इसे कुछ देर तक भून लेंगे। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होगा। हम कुछ आंवले को चम्मच की सहायता से मैश कर लेंगे और कुछ खड़े रहने देंगे। आंवले को पूरी तरह से मैश नहीं करना है। इस तरह से जब आप चटनी बनाएंगे तो चटनी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर ली है, 8 से 10 कुटी काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ध्यान से डालिएगा, हमने उबालते समय भी नमक डाला था, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से यह चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। इनको अच्छे से मिलाकर 1 मिनट तक हम भून लेंगे। अब हम इसमें 300 ग्राम गुड़ ली है, हमने 300 ग्राम मिश्री ली है, धागे वाली मिश्री है, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। मिश्री की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। आधे गुड़ और आधे चीनी के साथ जब ये चटनी बनाएंगे तो इस चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। गुड़ और चीनी की मात्रा आंवले से थोड़ा ज़्यादा रखिएगा तो यह चटनी बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम इसमें आंवले का पानी डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। यह चटनी अभी पतली लग रही है, लेकिन ठंडी हो जाने के बाद गाढ़ी हो जाती है। जब भी चटनी निकालिएगा, साफ़ सुथरे चम्मच से निकालिएगा। पीतल, तांबा, एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल नहीं रखिएगा। दोस्तों, इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।